नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। SB हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह फॉर 11th, 12th IIT, G एंड NEET। ज्वाइन क्रैश कोर्स फॉर 12th। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेन्स वियर, गर्ल्स वियर, सारीज एंड किड्स वियर। दरभंगा के गठित नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त होगी दावा आपत्ति। नगर निगम कर्मियों एवं मोहल्ले वासियों के बीच जमकर झड़प, घंटों अफरा तफरी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। भिक्षुओं के बीच प्रशासनिक स्तर पर बांटे गए कंबल, DM ने किया वितरण। सखी वन स्टॉप सेंटर तब महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर हुई मीटिंग, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। खेलो इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 2,53,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिखरे कुलपति। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 को धारा 144 लागू। और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन, एक दिन का राजकीय शोक। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा के गठित 6 नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त होगी दावा आपत्ति। दरभंगा के गठित नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त किया जाएगा दावा आपत्ति। बहेड़ी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, सिंहवाड़ा, जाले एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी बनेगा नया नगर निकाय। जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी बहेड़ी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, सिंहवाड़ा, जाले एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी को बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य में नए निकायों का गठन एवं पूर्व के गठित नगर निकायों का उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तारित करने का संबंधित प्रारूप अधिसूचना के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्र के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1), 4, 5, 6 एवं धारा 8 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत नगर निगम का गठन एवं वर्तमान नगर निकायों का उत्क्रमण तथा नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित किए जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन निमित्त अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत कर दी गई है, जिनमें नए नगर पंचायतों का गठन संबंधी 103 प्रारूप अधिसूचना, नए नगर परिषद का गठन संबंधी 8 प्रारूप अधिसूचना, पुराने नगर पंचायत का नगर परिषद में उत्क्रमण संबंधी 32 प्रारूप अधिसूचना, पुराने नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण संबंधी 5 प्रारूप अधिसूचना एवं पुराने नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार संबंधी 12 प्रारूप अधिसूचना शामिल है। नगर निगम कर्मियों एवं मोहल्ले वासियों के बीच जमकर हुई झड़प, दरभंगा में घंटों मची रही अफरा तफरी।
दरभंगा नगर निगम एवं स्थानीय लोगों के बीच जमकर हुई झड़प, हाथापाई से घंटों रणक्षेत्र में तब्दील रहा इलाका। शनिवार की सुबह शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 स्थित बेला का इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। नगर निगम के सफाई कर्मी और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। नगर निगम की कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिलहाल सड़क पर निगम की दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहीं और जाम का नजारा दिखता रहा। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि नववर्ष के दिन शुक्रवार की शाम वहां के एक स्थानीय युवक एवं सफाई कर्मी में आपस में मारपीट हो गई। इसके जवाब में आज सुबह दर्जनों सफाई कर्मी नगर निगम की कचरा गाड़ी के साथ मोहल्ले में पहुंच गए और उक्त युवक को पकड़कर मारते हुए ले जाने लगे। मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस दृश्य को देखकर उन्हें रोकना चाहा। इस पर सफाई कर्मी रोकने वालों से भी उलझ गए। इसके बाद मोहल्ले वासियों के गुस्से का पारावार न रहा, पूरा मोहल्ला एकजुट होकर निगम कर्मियों पर बरस पड़ा। निगम कर्मी हालात को भांपते ही उल्टे पैर भागने लगे। इसके बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर खड़ी नगर निगम की गाड़ियों पर फूटा। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। युवक की पहचान कैलाश पासवान के पुत्र टिंकू पासवान के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए दरभंगा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस एवं दंगा नियंत्रण बल ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। साथ ही वार्ड पार्षद एवं निगम के अधिकारी भी पहुंचे। दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद तत्काल तो मामला शांत हो गया, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ घटना ये हुई कि भीड़ भाड़ में बच्चे लोग आपस में झगड़ा कर लिए हैं और इतना गाड़ी घोड़ा लाने क्या बच सकता था जब मारपीट की बात हुई। अब कारण क्या है सर, ये तो नहीं मालूम है। हम लोग भीड़ भाड़ देखे हैं तो आए हैं यहाँ पे। जब भीड़ भाड़ के बारे में मालूम हुआ तो हम लोग को पता चला कि आपस में मारपीट हुआ। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई। बैठक में दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि वर्ष 2020 में आई बाढ़ से दरभंगा जिले के 15 अंचल प्रभावित हुए। इनमें 181 पंचायत पूर्ण रूपेण एवं 53 आंशिक रूप से कुल 234 पंचायत प्रभावित हुए। कुल प्रभावित गांव की संख्या 1076 एवं नगर निगम के कुल प्रभावित वार्ड की संख्या 25 रही, जिनके कुल अनुमानित प्रभावित जनसंख्या 26,17,654 रही। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 23,000 सूखा राहत पैकेट का वितरण किया गया, जिस पर कुल 72,03,431 रुपये व्यय हुए। इस दौरान 669 सामुदायिक किचन का संचालन हुआ, जिनमें कुल 56,81,620 प्रभावित व्यक्तियों ने भोजन किया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 61,678 पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया गया, जिन पर कुल 3,50,00,000 रुपये व्यय होने की संभावना है। बाढ़ के दौरान 71 सरकारी एवं 464 निजी नाव का परिचालन कराया गया, जिनमें 28 नए नाव का क्रय किया गया, जिन पर लगभग 9,08,919 रुपये व्यय हुए। बाढ़ के दौरान NDRF की 2 एवं SDRF की 1 टीम कार्यरत रही, जिन पर 57,90,000 रुपये व्यय हुए। इस दौरान 6,17,962 अनुमानित बाढ़ पीड़ित परिवारों में से 5,94,348 परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से अनुग्रह अनुदान की राशि भेजी गई। बाढ़ के दौरान की गई चिकित्सा व्यवस्था पर 16,00,000 रुपये व्यय हुए। जलापूर्ति में 27,28,120 रुपये खर्च हुए। पशु चिकित्सा, पशु चारा एवं मृतक 31 पशुओं के अनुदान पर कुल 12,43,000 रुपये व्यय हुए। क्षतिग्रस्त फसल का अनुमानित व्यय 95,21,82,000 रुपये है। बाढ़ के दौरान 12 व्यक्तियों की मृत्यु डूबने से हुई, जिनको मृतक अनुदान दिया जा चुका है, और 7 लोगों की मृत्यु सर्पदंश से होने का प्रतिवेदन प्राप्त है, लेकिन विसरा रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल क्षति के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि सही समय पर जांच कराकर सही प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। अभी तक 1,39,000 लोगों ने आवेदन दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि क्रय किए गए सभी 28 नए नाव को संबंधित अंचलाधिकारी पानी में रखेंगे, ताकि नाव खराब न हो सके। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। भिक्षुकों के बीच प्रशासनिक स्तर पर बांटे गए कंबल, DM ने किया वितरण। जिलाधिकारी ने भिक्षुओं के बीच बांटे कंबल।
175 कंबलों का हुआ वितरण। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शनि मंदिर के पास उपस्थित भिक्षुकों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नेहा नपुर, बुनियाद केंद्र बहादुरपुर के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन सरन एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बाहरी कर्मचारी गणेश कुमार और बुनियाद केंद्र के अशोक कुमार उपस्थित थे। जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय दरभंगा के सहायक निदेशक नेहा नपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत 353 कंबल क्रय किया गया था। आज शनि मंदिर के पास 168 कंबल एवं बुनियाद केंद्र में 8 कंबल, कुल 175 कंबलों का वितरण किया गया। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत जो जरूरतमंद है उनके कंबल वितरण का निर्देश दिया गया है। अभी तक काफी संख्या में कंबल वितरण हो चुका है। भिक्षावृत्ति योजना के तहत भी कंबल वितरण का आदेश और आवंटन प्राप्त हुआ है, उसके तहत आज कंबल वितरण हुआ है। सभी अंचलों में, अनुमंडलों में भी काफ़ी संख्या में कंबल वितरण हुआ है। जो भी आवंटन प्राप्त हुआ है उसके तहत कंबल वितरण हुआ। इसके अलावा अलाव जलाने के कार्यक्रम और 152 जगह पर अलाव जलाया जा रहा है और रैन बसेरा भी विभिन्न जगहों पर शहरी क्षेत्र में छप। आज ये शनि मंदिर में DM सर के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत कंबल वितरण का काम भिक्षुकों को के बीच किया गया और इस प्रोग्राम में सहायक निदेशक सर और मैं एज ए DPM बुनियाद केंद्र दरभंगा इस कार्य में सहयोग कर रहा हूँ। अब कुल 152 लाभार्थियों को आज यहाँ कंबल वितरण किया गया है। तकरीबन पिछले 10 दिनों से हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें से स्टेशन पे, कुष्ट कॉलोनी, एक विंडा और भी कई सोनकी में कल मेरा प्रोग्राम है या परसों सोनकी में भी हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम करेंगे। कुल 353 कंबल का वितरण मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत किया जाना है। अब सब क्योंकि शीत का समय है और हमारे जितने भी लाभार्थी हैं जो बेगिंग में हैं वो लोग शीत से मरे नहीं, उन लोगों को प्राण की सुरक्षा हो, हम लोग इनका सर्वे भी करवाए। सर्वे में देखने को मिला है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कंबल अगर आज कल में नहीं मिलता तो उनकी मृत्यु हो जाती ठंड से। तो हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पे आज यह कंबल वितरण का कार्यक्रम निवारण योजना के तहत कंबल बांटा जा रहा था भिक्षुकों में जिनका सर्वे किया गया था पहले से। तो इस योजना के तहत हम लोगों ने 353 कंबल की खरीद की है जिसमें से अभी 152 को बांटा जा रहा है यहाँ पे। बाकी भी हम लोग कुछ पहले भी बांट चुके हैं, जैसे स्टेशन पर बांट चुके हैं, रामगंज कुष्ट कॉलोनी में बांट चुके हैं और एक जिंदा कॉलोनी में भी बांट चुके हैं, सोनकी भी एक कुष्ट कॉलोनी में वहाँ भी बांट चुके हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना में भी वस्त्र वितरण योजना और मुख्यमंत्री भोजन योजना ये दोनों के तहत कंबल का आवंटन हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारियों को भी आवंटित किया है और कुछ ब्लॉक्स को भी हम लोगों ने कंबल खरीद के भी दिया है। तो ये सारे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कि ठंड के मौसम में कोई भी एक आदमी छूटे नहीं, सबको कंबल मिले और सरकार की ये योजना जो है उसको पूरी हो। सखी वन स्टॉप सेंटर से महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। सखी वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सखी वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला हेल्पलाइन के कर्मियों का समायोजन करने का निर्णय लिया गया, साथ ही बचे हुए पदों पर पोस्टर क्लियरेंस करते हुए नई नियुक्ति एक माह के अंदर कर लेने का निर्णय लिया गया। सभी कर्मियों की नियुक्ति होने के उपरांत वन स्टॉप सेंटर को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्णय हुआ। बैठक में DM द्वारा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन में महिला डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाए, साथ ही ASI रैंक की महिला पुलिस निरीक्षक की भी प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्णय लिया गया। वंडर ऐप को लेकर हुई मीटिंग, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। वंडर ऐप को लेकर हुई बैठक, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया वंडर ऐप की प्रगति को लेकर बैठक की गई। बैठक के समीक्षा क्रम में वंडर ऐप के मामले में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रदर्शन अत्यंत ही खराब पाया गया, जिनमें बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, कीरतपुर, सतीघाट और सिंहवाड़ा शामिल है। समीक्षा के दौरान दरभंगा जिले में कार्यरत केयर संस्था के जिला समन्वयक श्रद्धा झा ने बताया कि 24 नवंबर की बैठक में गर्भवती महिलाओं की प्रविष्टि वंडर ऐप पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। अब तक वंडर पोर्टल के लिए 1,959 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है, लेकिन वंडर पोर्टल पर अपलोड करने की प्रगति धीमी है। समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं को जिन्हें
HCC से DMCH रेफर किया गया है। उनकी भी प्रविष्टि कई प्रखंडों में नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि वंडर ऐप के लिए निबंधित गर्भवती महिलाओं में से अब तक 313 समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 221 को बेहतर इलाज के लिए विभिन्न PHC से उच्च संस्थानों को रेफर किया गया है, लेकिन वंडर के माध्यम से 97 रेफर ही दिख रहा है। DM ने बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, कीरतपुर, सतीघाट और सिंहवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं BHM का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का नियमित एवं ठीक से अनुश्रवण नहीं करने के लिए वेतन स्थगित कर दिया गया। उन्होंने सभी PHC एवं सिविल सर्जन दरभंगा को 3 दिनों का समय देते हुए बुधवार तक वंडर ऐप को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड, NH 57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के गठित नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त होगी दावा आपत्ति। नगर निगम कर्मियों एवं मोहल्ले वासियों के बीच जमकर झड़प, घंटों अफरा तफरी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। भिक्षुओं के बीच प्रशासनिक स्तर पर बांटे गए कंबल, DM ने किया वितरण। सखी वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर हुई मीटिंग, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। खेलो इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 2,53,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिफरे कुलपति। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 को धारा 144 लागू। और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन, 1 दिन का राजकीय शोक। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2020 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 5 जनवरी से 2 परीक्षा केंद्र पर 10 बजे सुबह से 5 बजे अपराह्न तक परीक्षा होगी आयोजित। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2020 का आयोजन
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 जनवरी 2021 को दो पाली में यथा प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित दो परीक्षा केंद्र एंजल उच्च विद्यालय भीगो एवं कर्पूरी ठाकुर बालक उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त दोनों परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 3 जनवरी से 21 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। खेलो इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। खेलो इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत जिला शिक्षा परियोजना दरभंगा की ओर से आयोजित शारीरिक शिक्षकों का जिला स्तरीय एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ एमएल एकेडमी स्कूल लहरियासराय में। के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है आप देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बीच में काफी रुचि ले रहे हैं, इसके लिए जो फंडिंग होना चाहिए वह भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी मेरी सब लोगों की निष्क्रियता के कारण जो रिजल्ट आना चाहिए वह आ नहीं पा रहा है। आज का यह वर्कशॉप जिसमें हमारे आए हुए हैं मास्टर ट्रेनर, आपको निश्चित रूप से एक्टिवेट करेंगे। आगे क्या करना है आप बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, सुनिएगा, और मेरा यह प्रयास होगा कि मैं इस फिजिकल का जो कार्य है, फिजिकल टीचर का कार्य है, इसकी पूरी टीम फिजिकल टीचर से ही हम नीचे से लेकर ऊपर तक बना दें, ताकि आप लोगों को किसी भी एक्टिविटी में कोई भी कार्य करने में कठिनाई नहीं हो। दूसरे संभाग के लोग आपको इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है फिट इंडिया का कार्यक्रम, खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को कैसे हम फिजिकली फिट रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उसको हम लेटेस्ट वर्जन में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग अभी हम लोग लेकर के आए हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, किरण रिजू सर चाहते हैं कि पूरे बिहार में स्पोर्ट्स के सेंटर बने, तो आज जो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम अपने में जो कमियां हैं इसको दूर करेंगे, कैसे हम अपने बिहार को जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगे, यही एक मुहिम है। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 253,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 253,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 253,064 पर पहुंच गई है बिहार में, और टोटल एक्टिव केस 5,162 हैं। सबसे अधिक पटना में 223, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 4, बेगूसराय में 16, भोजपुर में 4, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 6, कैमूर में 14, कटिहार में 2, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 5, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 16, नवादा में 23, पूर्णिया में 9, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 2, सारण में 10, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 2, वैशाली में 7 और पश्चिम चंपारण में 3 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिफरे कुलपति। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिफरे कुलपति। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां पाई गईं। पांडुलिपियों और पुस्तकों के रखरखाव, साफ सफाई को देखने से लगता है कि ये संस्थाएं गैर कार्यशील स्थिति में हैं। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक किन्हीं ने अपने कार्य जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन नहीं किए हैं। भवनों की जर्जर स्थिति, फूटे शीशे, जंग लगे तार की खिड़कियाँ, दीवारों पर छत से सीलन, चारों ओर पसरी गंदगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कई कमरे खुले नहीं हैं। कुलपति ने इस पर जमकर क्लास भी लगाई, लेकिन सवाल
सवाल बड़ा यह है कि इन दिनों कुलपति लगातार निरीक्षण कर रहे हैं विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों का, विभिन्न जगहों का। विफर भी खूब रहे हैं, नाराजगी भी खूब जता रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यहाँ दोबारा यह उठता है जो यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है, कुलपति विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं, वो आखिर किस पर विफर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब दोषी को चिन्हित कर रहे हैं वह, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर तुरंत कार्रवाई होगी दोषियों पर तो इससे माहौल भी सुधरेगा और कार्यशैली भी अपने आप सुधर जाएगी। केवल बिफरने की बात मीडिया की सुर्खियों में डालकर आखिर फायदा क्या होगा? न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के गठित नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त होगी दावा आपत्ति। नगर निगम कर्मियों एवं मोहल्ले वासियों के बीच जमकर झड़प, घंटों अफरा तफरी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। भिक्षुओं के बीच प्रशासनिक स्तर पर बांटे गए कंबल, डीएम ने किया वितरण। सखी वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर हुई मीटिंग, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। खेलो इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 2,53,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिखरे कुलपति। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 को धारा 144 लागू। और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन, एक दिन का राजकीय शोक। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 को धारा 144 लागू। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन और भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 3 जनवरी 2021 को 16 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पटना अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन और भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा 3 जनवरी को एक पाली में 10 बजे पूर्वाह्न से मध्याह्न 12 बजे तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 16 परीक्षा केंद्र, मिल्लत कॉलेज, सीएम कॉलेज, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, पब्लिक स्कूल बेला, केएस कॉलेज लहेरियासराय, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, एमएल एकेडमी लहेरियासराय, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा, एंजल उच्च विद्यालय भीगो, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, रोज पब्लिक स्कूल जीएम रोड दरभंगा, रोज पब्लिक स्कूल जीएनगंज लहेरियासराय, नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहेरियासराय, महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 3 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन, एक दिन का राजकीय शोक। पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का हुआ निधन, 2 जनवरी को राजकीय शोक मनाने का हुआ निर्णय। बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन 2 जनवरी 2021 को हो गया। बिहार सरकार द्वारा दिवंगत बूटा सिंह के सम्मान में 2 जनवरी को राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवनों पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज जहाँ फहराया जाता है वहाँ राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।
ये जब तक के समाचार में डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के गठित नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त होगी दावा आपत्ति। नगर निगम कर्मियों एवं मोहल्ले वासियों के बीच जमकर झड़प, घंटों अफरा तफरी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। भिक्षुओं के बीच प्रशासनिक स्तर पर बांटे गए कंबल, डीएम ने किया वितरण। सखी वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की हुई बैठक। वंडर ऐप को लेकर हुई मीटिंग, खराब प्रदर्शन के लिए कई MOIC का रुका वेतन। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, केंद्रों पर धारा 144 लागू। खेलो इंडिया के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बिहार में कोरोना के 397 नए मरीज, आंकड़ा 253,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,162। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्दशा पर बिखरे कुलपति। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 को धारा 144 लागू। और पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन, एक दिन का राजकीय शोक। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।